नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में कांग्रेस विधायक दोषी, कोर्ट ने दी सजा। कांग्रेस विधायक पर लगा 99 रुपए का जुर्माना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को हटाया, खुद संभालेंगी जिम्मेदारी। सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने राहुल को दी कार्रवाई की चेतावनी, कहा अंग्रेजों से माफी मांगने की बात साबित करें। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षा गिरफ्तार, घर से जब्त हुए 7 करोड़ रुपए। राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर खाली करना होगा सरकारी बंगला, संसद सदस्यता रद्द होने के बाद नोटिस जारी। कर्नाटक में येदियुरप्पा के घर पत्थरबाजी, बंजारा और भोवी समाज के लोगों का हिंसक प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन में बंटवारे का विरोध। शराब नीति के बाद दिल्ली में बिजली पर टकराव, ऊर्जा मंत्री का आरोप, फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे हैं एलजी। बीजेपी नेताओं का श्रीनिवास पर स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप, कांग्रेस ने वीडियो जारी कर किया खारिज। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, बोले इस सृष्टि की रचना हुई तो 2014 में हुई थी, हम तो वो भी हैं जो काम करते हैं उनका नाम लेकर करते हैं। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी नेता मंजूनाथ कन्नूर कांग्रेस में शामिल, रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले बढ़ रहा है परिवार। यूपी सरकार पर भड़किया सुसुद्दीन ओवैसी, कहा भारत का संविधान कहता है कि रुपयों को किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा गोल्डन लेडी, संविधान की रक्षा करने की अपील की। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर वार, बोले श्रीराम के वंश से गांधी परिवार की तुला, प्रियंका का अहंकार, सावरकर नहीं बन सकते राहुल। तमिलनाडु में 2 लाख प्रवासी मजदूर नहीं लौटे, उत्पादन घटा, हमलों के फर्जी वीडियो के बाद हुआ था पलायन। कोनो में नामीबिया से लाए चीते की मौत, 4 साल की शासा को किडनी इन्फेक्शन था, पीएम मोदी ने बाड़े में किया था रिलीज। सीएम योगी का निर्देश, बोले सारस और बारहसिंघा के लिए विकसित करेंगे विशेष पार्क, पर्यावरण संरक्षण में सीआईएसआर फंड का उपयोग। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी को हटाने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग करेंगे कांग्रेस, अतीक को लेकर दिया जवाब। प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संघ की बैठक, बोली यूपी में अब माफिया राज खत्म। महाराजगंज में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने लगाई चौपाल, बोली योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर तय होगी जवाबदेही। भूपेंद्र चौधरी ने सपा सरकार पर किया वार, बोले अतीक पिछली सरकारों का पोषित माफिया है, सपा हमेशा अराजकता के पक्ष में रही है।
यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में बैठे सॉल्वर समेत 8 अरेस्ट, कॉलेज प्रबंधक से मिलीभगत करके परीक्षार्थी की जगह बैठा दिए सॉल्वर। जमीन वापस लेने पर मां बाप को मार डाला बेटा, बोला कोई रास्ता नहीं था इसलिए गला दबाए। बुजुर्ग दंपति खेत में झोपड़ी बनाकर रहते थे। ₹80,000 के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड ने यूट्यूब देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। मीट के लिए पत्नी की गला रेतकर हत्या, बेटी बोली अंडे की सब्जी बनाने पर अब्बू गुस्सा हुए, अम्मी को चाकू मारा वो तड़प रही थी। लखनऊ में पिता ने बेटे को मार डाला, बहू के जेवर बेचने को लेकर घर में हुआ था विवाद, तैश में आकर चाकू से सिर पर किए कई बार। बस्ती में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल, बाइकों की आमने सामने टक्कर, सड़क पर गिरे युवकों को ट्रेलर ने कुचला है। कानपुर में दरोगा की वर्दी में गर्लफ्रेंड ने बनाई रील, रील वायरल होने के बाद कमिश्नर ने दोनों को किया सस्पेंड। फतेहपुर में एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली, देर रात बेवजह घूमने वालों को दी चेतावनी। स्वच्छता की धज्जियां उड़ा रहा है पालिका का जलता डंप कूड़ा, कूड़े में आग लगने से आसपास रहने वाले लोग हो रहे हैं परेशान। आजम के करीबी सपा विधायक के घर नोटिस, जसपा कोर्ट में हाजिर होने को पुलिस ने कराई मुनादी, कई बार जारी हो चुके हैं समन। मेरठ में दो पक्षों में मारपीट, दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से किया हमला, 6 घायल, कूड़ा डालने को लेकर हुआ था विवाद। घर में घुसकर युवक पर चाकू से बोला हमला, 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिजनौर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 5 केस और मिले, अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हुई। चंदौली में ऑटो चालक ने रचाई किन्नर से शादी, ऑटो में हुआ था दोनों के बीच में प्यार, 7 महीने तक लिविन में रहते थे। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, 23 लाख मतदाता करेंगे वोट, 1 अप्रैल को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची। गाजीपुर में सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता अजय राय, बोले सरकार पहले चेत जाती है तो उमेश पाल की हत्या नहीं होती। आगरा में पानी के लिए तरस रहे लोग, 3 दिन से नहीं हो रही आपूर्ति, जलकल विभाग बोला आज शाम मिलेगा पानी। बिजनौर में गुलदार ने 2 लोगों पर किया हमला, बच्चे व साइकिल सवार हुए घायल, ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने की मांग की। कोरोना का बड़ा खतरा, बने कोरोना वार्ड, प्रयागराज में मिले हैं कोरोना के 2 मरीज, सैंपलिंग सेंटरों को किया गया अलर्ट। मथुरा में दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट और लैपटॉप। ओएलएक्स पर बेची चोरी की बाइक, अस्पताल और पार्किंग के बाहर से चुराई थी, अमेठी के 2 शातिर अरेस्ट हुए।
रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक। तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। देवरिया में घर में सो रही किशोरी लापता, 14 दिनों से तलाश रहे परिजन। मां बेटे पर अपहरण का आरोप लगाकर गुमशुदगी का दर्ज कराई रिपोर्ट। पीलीभीत में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, युवक की जेब से काटकर 50,000 उड़ाए थे, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी में 24 घंटे में मिले 74 कोरोना केस, 11 दिन में 410% बढ़े केस, पिछले साल नवंबर का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड में G20 समिट में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी, सीएम धामी बोले अलर्ट मोड पर है प्रशासन। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बदलाव, अब 30 को पहुंचेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार में, पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। संन्यास दीक्षा महोत्सव में बोले स्वामी रामदेव, अतत योग आयुर्वेद अध्यात्म और पतंजलि की शरण में आना ही होगा। उत्तराखंड के विधानसभा होगी पेपरलेस, विस अध्यक्ष ऋतु खडूरी भूषण ने अधिकारियों के साथ किया विमर्श। ओलंपिक वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाले को नौकरी देगी उत्तराखंड सरकार, आउट ऑफ टर्न मिलेगी नियुक्ति। उत्तराखंड में 350 स्पॉटर्स, जमीन आसमान तक होगी निगाहबानी, 1500 पुलिसकर्मी और एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग, मैस में सीनियर्स ने दिखाया रौब, 3 छात्रों को हॉस्टल से निकाला। उत्तराखंड के G20 समिट पर खालिस्तानी साये, उत्तराखंड एसटीएफ ने शुरू की धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल की जांच। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल, 24 घंटे में सामने आए 13 नए मरीज। उत्तराखंड में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में 300 रुपए देकर दर्शन करेंगे वीआईपी, वीकेटीसी की बैठक का निर्णय। उत्तराखंड के बंद पड़ी स्टडिया फैक्ट्री परिसर में उगी झाड़ियों में लगी आग, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड के बाजपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, छतों से महिलाओं ने भी किया पथराव, 12 घायल। उत्तराखंड में सेल्फी लेते समय शारदा नदी में डूबे 2 सगे भाई, पुड़ागिरी धाम में दर्शन के लिए आए थे दोनों। उत्तराखंड में युवक ने शादी का झांसा देकर विधवा महिला से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर दी हत्या की धमकी। उत्तराखंड के जंगलों में बसे खत्तों पर खुफिया विभाग की नजर, जंगलों के रास्ते से नेपाल भाग सकता है अमृतपाल। राहुल गांधी केस पर अमेरिका की नजर, अमेरिका ने कहा लोकतांत्रिक मूल्य भारत के साथ रिश्तों का आधार। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और गृह मंत्री के खिलाफ लगे नारे, अप्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन।
उत्तर कोरिया सैनिकों से गायब 653 गोलियां तानाशाह कैमरे बरामदगी तक पूरे शहर में लगा दिया लॉकडाउन। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा वापस लौटे चीन, आते ही देश के मार्केट में आया 4% का उछाल। संयुक्त राष्ट्र में रूस को फिर मिली हार, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट की जांच की रूसी मांग खारिज। अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी, 3 स्टूडेंट समेत 6 की मौत, स्कूल की पूर्व स्टूडेंट थी हमलावर, पुलिस ने उसे भी मार गिराया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर धमाका, 6 लोगों की मौत, फिदायीन हमले का शक, इस इलाके में के कई एम्बेसीज। नेतन्याहू के खिलाफ पूरा इजराइल, सड़कों पर डॉक्टर और टीचर्स भी प्रदर्शन में हुए शामिल, एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं कर रहे प्लेन। इमरान खान को फिर राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 केस में जमानत दी, तोशखाना और ट्रेरिन वाइट केस में पेश नहीं हुए। लाल सागर में फटेगा 47 साल पुराना सुपर टैंकर, इसमें 1 मिलियन बैरल तेल फैलने का डर, 8 साल से बिना रख रखाव समुद्र में अटका। अडानी ग्रुप में निवेश जारी रखेगा ईपीएफओ, गिरावट के बावजूद सितंबर तक इंटरप्राइजेज और पोर्ट्स में लगा रहे खाताधारकों का पैसा। एक साल बाद चीन लौटे जैक मा, चीनी अखबार का दावा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जानने दुनिया में घूमे। स्कोडा कुशा को ओनियक्स एडिक्शन भारत में लॉन्च, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार में मिलेगा। नथिंग फोन 2 भारत में जल्द लॉन्च होगा, 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। लॉन्ग टर्म निगरानी में अडानी ग्रुप का एक और स्टॉक एएसएम फ्रेमवर्क के स्टेज 2 में हुआ शामिल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पर संकट के बादल, वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 7,000 कर्मचारियों के शुरू की छटनी। विश्व बैंक का बड़ा बयान, कहा बीता एक दशक हुआ बेकार, वैश्विक आर्थिक विकास दर में आ सकती है बड़ी गिरावट। एसएनडीपी ने जताया भरोसा, साल 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6% पर बरकरार रखा। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने जताई चिंता, कहा बैंकिंग उथल पुथल से वैश्विक आर्थिक स्थिरता खतरे में आई है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को दिए निर्देश, कहा बड़ी कंपनियों के लोन अकाउंट के दबाव परीक्षण को बढ़ाना विवेकपूर्ण होगा। बाबर रिजवान के सपोर्ट में आए शादाब खान, बोले हमारे सीनियर्स को वो सम्मान नहीं मिलता जिसको वो हकदार है। आईपीएल से पहले कई टीमों को लगा बड़ा झटका, शुरुआती मैचों में नहीं दिखेंगे दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर्स। क्विंटन डीकॉक ने रचा इतिहास, डीकॉक ने 44 गेंदों पर 100 रन की शतकीय पारी खेली, अपनी पारी में 9 चौके और 8 छक्के जड़े।
फैंस के लिए स्टेडियम की सीटों को खुद पेंट करते दिखे महेंद्र सिंह धोनी, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। अफगानिस्तान से हार के बाद निशाने पर आया आजम खान, लाइव मैच के दौरान दी गाली, वीडियो हुआ वायरल। नीतीश राणा बने केकेआर के कप्तान, टीम ने किया ऐलान, चोटिल अय्यर की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीसीसीआई के आगे झुकी आईसीसी, इंदौर की पिच को दी थी खराब रेटिंग, अब इससे बदला, ये हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट। एरॉन फिच ने की भविष्यवाणी, बोले इस सीजन प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। सीरीज गंवाकर तीसरा मैच जीते पाकिस्तान, 67 रनों से अफगानिस्तान को दी शिकस्त। पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने की भविष्यवाणी, कहा दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। फैन से मिले अमिताभ, होममेड स्लिंग पहने हुए जलसा से फ्रेंड को क्या ग्रीट, बोले दोबारा शुरू करूंगा काम। अर्जुन कपूर की बहन अंशुना ने रिलेशनशिप पर लगाई मुहर, बॉयफ्रेंड सख समुद्र में दिया रोमांटिक पोज, महीप कपूर ने दी बधाई। ट्रेडिशनल लुक में स्पॉट हुई शिल्पा शेट्टी, पिंक सलवार सूट में लगी खूबसूरत, मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट। डॉक्टर की परमिशन मिलते ही थिरकने लगी धनिश्री वर्मा, फैंस बोले आपके डांस को बहुत मिस किया। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है नानी की दस्ता, एडवांस बुकिंग में कई शोज हुए हाउसफुल। जयललिता को डेट करना चाहते थे अक्षय खन्ना, 19 साल में बाल झड़ने से बुरी तरह टूट गए थे, करिश्मा कपूर ने ठुकराया था शादी का प्रपोजल। चोट के बावजूद एक्शन सीन शूट करते दिखे अक्षय कुमार, बड़ी मियां छोटे मियां के सेट से सामने आया वीडियो। शाहरुख खान ने खरीदी 10 करोड़ की कार, नई रोल्स रॉयल्स कुमोनत में जाते देखा गया, पठान की सक्सेस के बाद खुद को दिया तोहफा। बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिम ट्रेनर के साथ किया बैटल रोप वर्कआउट। अभिनेत्री आकांक्षा सुसाइड केस में सिंगर समर सिंह पर एफआईआर दर्ज, मां बोली रिलेशनशिप में बेटी को धोखा दिया गया। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।